सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोक्सीजन ड्रॉप के बारे में जानेंगे, जिसे आप में से काफी दोस्त अटेरेक्स ड्रॉप तथा हाइकोप ड्रॉप के नाम से जानते हैं। इस ड्रॉप के बारे में YouTube पर आपको कई सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे, पर क्या कभी आपने सोचा है क्या यह दवा बच्चे को देना सही रहेगा, क्या यह दवा नींद की होती है और कहीं ये दवा देते समय आप किसी प्रकार की गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये सभी जो डाउट्स है इस वीडियो में आपके क्लियर करूँगा और इसके साथ मैं आपको जानकारी दूंगा कितने रुपए में यह दवा आपको मिल जाती है, इसकी यूजेज क्या क्या होते हैं पूरे विस्तार से, साथ ही इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और कितनी मात्रा में बच्चे को दी जानी चाहिए। ये सभी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, इसे वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मेडिसिन। चलिए ऐसे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। हाइड्रोक्सीजन एक एंटीहिस्टामिन क्लास की दवा है और ये हाईली सेडेटिव प्रॉपर्टी रखती है और इस दवा का प्रयोग सामान्यतः एलर्जी कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोक्सीजन आपको सभी ओरल प्रिपरेशन में, जैसे कि टेबलेट, सिरप तथा ड्रॉप, सभी फॉर्म में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम हाइड्रोक्सीजन ड्रॉप के बारे में जान रहे हैं। हाइड्रोक्सीजन ड्रॉप दवा का जेनरिक नाम है। जब भी आप इसको मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं तो ये अपने कुछ पर्टिकुलर ब्रांड नेम से मिलती है, जिसमें जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वह है अटेरेक्स ड्रॉप, हाइकोप ड्रॉप, हाईमैक्स ड्रॉप, हाइनोरेक्स ड्रॉप, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है। और इसके अलावा भी कोई दूसरी ब्रांड आपको अपने एरिया मिल सकती है, जो भी आपको मिले उसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जो दवा का मूल नाम रहता है वो हाइड्रोक्सीजन ही रहता है। और अगर इसके स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये 6 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में आती है और इसकी जो पैकेजिंग है 15 ml की ड्रॉप पैकेजिंग में आती है। और अब अगर बात करें इसके प्राइस की, कितने रुपए में मिल जाती है, तो यह दवा जो 15 ml की ड्रॉप पैकेजिंग होती है इसकी प्राइस रहती है 50 रुपये से 60 रुपये प्रति एक ड्रॉप। और यह जो प्राइस है हो सकता है 5 या 10 रुपये कुछ ही दूसरी ब्रांड में ऊपर नीचे आपको मिल जाए। अब बात करते हैं हाइड्रोक्सीजन ड्रॉप के यूजेस की, किन किन बीमारियों में इस ड्रॉप का प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि यह एक एंटीहिस्टामिन क्लास की दवा है तो इसका प्रयोग जो सामान्य एलर्जी कंडीशन है उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी बच्चे के स्किन पर खुजली चल रही हो, सूजन आ गई हो, रेडनेस हुई हो, किसी प्रकार के फफोले हुए हो, दाने हो गए हो छोटे छोटे, या स्किन पर रेसेस हो गए हो, और ये जो सभी कंडीशन है किसी इन्फेक्शन के कारण, चींटी, मधुमक्खी या किसी भी छोटे जहरीले कीड़े के काटने के कारण हो सकती है, साथ ही बच्चे के रेत में खेलने के कारण, किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण या किसी दवा के साइड इफेक्ट होने के कारण ये समस्याएं हो सकती है, और इन समस्याओं को ठीक करने के लिए हाइड्रोक्सीजन ड्रॉप डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अगले यूज़ की बात की जाए तो यदि किसी बच्चे को कॉमन कोल्ड हो गया हो, जुकाम हो गया हो, जिस कारण से बच्चे की नाक बह रही हो या उसे सूखी खांसी चल रही हो, तभी ये हाइड्रोक्सीजन ड्रॉप बच्चे को दी जाती है। किसी बच्चे को सीजनल एलर्जी हुई हो या किसी फूड से एलर्जी हो गई हो, तब भी यह दवा फ़ायदेमंद रहती है। इसके अलावा कुछ स्किन डिजीज़ के नाम है, जैसे एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, ये सभी जो कंडीशन है उनके लक्षण भी सेम है जो हमने शुरुआत में बात की थी, तो इस समय में भी यह दवा दी जाती है। दोस्तों, आप में से काफ़ी फ्रेंड्स को पता होगा कि जो हाइड्रोक्सीजन ड्रॉप है उसके सिमिलर दो एक दवाइयाँ हैं, जैसे कि फिनरामाइन जिसे हम फिनार्गन सिरप के नाम से जानते हैं, और सेटरीजिन जिसे एलरेड सिरप के नाम से जानते हैं, ये भी इस समय दी जाती है। इन दोनों के लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाए, इनके बारे में यदि डिटेल आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, इन दोनों सिरप के बारे में डिटेल जान सकते हैं। इसके अगले यूज़ की बात करें तो ये एज ए सेडेटिव मेडिसिन प्रयोग ली जाती है, क्योंकि हाईली सेडेटिव प्रॉपर्टी रखती है। इसी कारण से जब भी बच्चे को ये दवा दी जाती है तो बच्चे को नींद आ जाती है, और इस वजह से इस दवा को नींद के लिए भी बच्चों में प्रयोग लिया जाता है। यहाँ पे हम एक बात क्लियर कर लेते हैं, क्या यह दवा नींद की है? तो यहाँ जवाब है दोस्तों, ये दवा नींद की नहीं है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, लेकिन सेडेटिव प्रॉपर्टी होने के कारण इसको देने पे बच्चे को नींद आ जाती है, और इसी कारण से इसको नींद के लिए भी काम लेते हैं। अगला जो डाउट था हमारा वो ये था कि क्या ये बच्चे को देना सही रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि सेडेटिव प्रॉपर्टी है, मस्तिष्क पे काम करती है और मस्तिष्क को शांत करके बच्चे को नींद आने का काम करवाती है, तो यदि इसको लिमिटेड टाइम के लिए दें, जैसे कि 5 दिन 10 दिन या 15 दिन के लिए, तो कोई प्रकार की समस्या नहीं, या ओकेशनली जब जरूर तो उस समय दें तो कोई प्रकार की समस्या नहीं। लेकिन यदि किसी बच्चे को 15 या 20 दिन से ज़्यादा इसको रेगुलर बेस पर दी जा रही हो तो ये कुछ नुकसान कर रही हो, तो यह ध्यान रहे कि लिमिटेड टाइम के लिए इसका प्रयोग करें।
अगला जो डाउट है वो है, क्या ये दवा देते समय हम कुछ गलती करते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, जब इस दवा को आप लंबे समय तक दे रहे हो तो ये बिल्कुल एक प्रकार की गलती है। यदि किसी एलर्जी कंडीशन के लिए डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार लंबे समय तक दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नींद के लिए आप बच्चे को रेगुलर इससे दिए जा रहे हैं 20 दिन 25 दिन या एक महीने से ज़्यादा भी, तो ये मस्तिष्क पर काम करती है जिस कारण से बच्चे की जो मेमोरी है वो कम हो सकती है, हेल्यूसिनेशन से भ्रम की प्रॉब्लम रह सकती है और भी कई तरह की मानसिक समस्या हो सकती है अगर लंबे समय तक दे। तो ये गलती आप नहीं करें, जितना डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया जितने दिनों तक एडवाइस किया उतने दिनों तक ही ये ड्रॉप बच्चे को दें। दोस्तों अब आगे बढ़ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। यदि किसी बच्चे को इसके साइड इफेक्ट होते तो क्या क्या हो सकते हैं? जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें बच्चे को स्लीपीनेस और डिजीनेस रहता है। स्लीपीनेस मतलब उसको गहरी नींद आएगी जो कि इसका सेडेटिव प्रॉपर्टी के कारण है। अगर नींद आती है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, जब ये दवा देना बंद करेंगे तो बिल्कुल नींद आना बंद हो जाएगी। और इसके अलावा बच्चे में कॉन्स्टिपेशन रहना, ड्राई माउथ रहना, पेट में उसको दर्द हो सकता है, ड्राउजीनेस उसे लग सकता है, ये कुछ समस्या हो सकती है। और बहुत ही ज़्यादा अगर नींद आए तभी ऐसी स्थिति में या इसके अलावा कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको मिले तो इस ड्रॉप को बच्चे को देना बंद करें, अपने डॉक्टर से मिले जैसे कि कोई ड्रॉप चेंज करके दे और इसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस ड्रॉप की क्या डोज रहती है, कितनी मात्रा में बच्चों को दी जाती है। सामान्यतः बच्चे को बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग तथा उसके एज के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट करके दी जाती है। जैसा कि इसकी जो पैकेजिंग है 6 मिलीग्राम प्रति 1 ml आती है, तो जो 0.5 ml से लगाकर 1 ml बच्चों में दी जा सकती है। यदि कोई बच्चा है जिसका वजन 5 किलो से भी कम है तो उसे आधे ml से भी कम दी जाएगी, और 5 से 10 किलो है तो 1 ml दी जाएगी। यहाँ पे मैं पर kg पर डे के अकॉर्डिंग डोज बता देता हूँ जिससे आपको कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। 0.6 mg प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के अकॉर्डिंग ये डोज दी जाती है। मतलब यदि किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो पूरे दिन में उसको 6 mg हाइड्रोक्सीजिन दी जानी चाहिए, जिसे 2 से 3 अलग अलग डिवाइडेड डोज में दी जा सकती है। और जब इसको नींद के लिए देते हैं तो सिंगल डोज में भी इसे दी जाती है, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पे ही आपको देना है। और इस दवा का प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया था, जितने दिनों तक आपको डॉक्टर ने देने के लिए कहा है और जितनी मात्रा में डॉक्टर ने देने के लिए कहा उतने दिनों तक दें, ज़्यादा लंबे समय तक देने पर आपको समस्या कर सकती है। तो दोस्तों सामान्य सी जानकारी हाइड्रोक्सीजन सिरप के बारे में आपको बताई थी, जिसको आप अटेरेक्स ड्रॉप तथा हाइकोप ड्रॉप के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी, वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया जरूर से इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब करें, जो पास बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप तो अपने दोस्त मोहित आदि साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल। मेडिसिन यूजर्स।